हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में देखे होंगे और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हाई स्कूल से रिलेटेड है। ये अभ्यास 3 का हल है। इसमें आपको अध्याय 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका पाठ है। आपने देखा होगा, ये आपका पाठ है ये। और इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन और ब्रजगुणन भी, तीनों भी से समीकरण को हल करना आपको सवाल में आता है। तो हमने इस तीनों भी से कुछ सवाल लिए हैं और इसको हल करके दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके NCERT एग्जाम प्लर या प्रैक्टिस सेट जो कुछ भी है सभी में आपको मैच कर जाएगा। ये इसी तरह से आपको हल करना है। तो कैसे है वीडियो को, किस तरह से आपको इस बीच से तीनों बीच से कैसे आपको समीकरण को हल करना है, वो सारी विधि हम बताएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट और हमारे भाई लोग हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा पेज में, ये आपका है, ठीक है। इसमें आपका पहला सवाल है आपका ये 3x-7y=1 तथा x-y=-1, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से दो इसमें सवाल है, दोनों सवाल लगी हुई है। एक सवाल हम आपको करके दिखाते हैं, बताते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम अगर आएगी तो हम आपको कॉपी में बताएंगे। ओके, तो पहली सवाल जैसा कि इसमें हल है, पहला समीकरण ये है। समीकरण एक से हम समीकरण दोनों समीकरण से समीकरण एक को उठाएंगे, समीकरण एक को उठाएंगे, समीकरण एक को उठाएंगे। तो उसमें से हमें केवल एक्स या वाई के मान को हमें लिखना है। समीकरण एक एक को भी उठा सकते, दो को भी उठा सकते, किसी एक में से हमको एक्स या वाई के मान को उठाना। जैसे समीकरण दो से इसमें उठाए हैं, तो समीकरण दो से, समीकरण दो में आपको अगर वाई यहाँ हम छोड़ देंगे तो एक्स इधर जाएगा, तो आप समझ सकते हैं माइनस एक्स होगा। अगर माइनस एक्स होगा तो इसका माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस इधर बचा रहेगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब वाई बराबर ये एक्स प्लस वन हो जाएगा। और उसके बाद थ्री, ये समीकरण एक का जो मान है वाई का, इसको समीकरण एक में इसमें हम ले जाकर रखेंगे, समीकरण एक में। तो जैसा कि आपको देख रहे होंगे ये 3x इधर है, 3x है और यहाँ y का मान निकला हुआ है, तो y की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर 7 और y, तो 7 रहेगा, y की जगह पर हम ये मान रख दिए जो ये निकला और इक्वल 1। इसके बाद 3x 7 का इसमें गुणा किया तो 7x प्लस 1 और इक्वल 1, 7 का गुणा करेंगे इसमें तो इतना हो जाएगा और इक्वल 1 टोटल। अब इसको हम घटाएंगे इन दोनों को, तो 7 से 3 गया तो 4x और ये 7 इधर आया तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद x बराबर यहाँ पर छोड़ेंगे तो 4 इधर जाएगा, तो ये दोनों जुड़कर 8 हो जाएगा, तो और ये 4 इधर जाएगा तो -4 अपान में जाएगा क्योंकि ऊपर है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स का मान निकल गया, एक्स बराबर -2, और अब वाई बराबर एक्स प्लस वन है तो एक्स का मान -2 रख देंगे वाई के यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 रख दिया और प्लस वन है ही, और वाई का मान निकल करके आ गया हमारा -1। इस तरह से वाई का मान निकल गया। तो अतः जो दिए गए समीकरण का निकाय का हल जो है एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -1, ये ही है। इसी तरह समीकरण दो भी है, प्रतिस्थापन विधि यही है। और इसमें हम आपको और दिखाते हैं विलोपन विधि।
चलिए विलोपन विधि दिखाते हैं। ये आपकी विलोपन विधि है, समीकरण ये दोनों हैं जैसा कि देख रहे होंगे, ये समीकरण एक और दो हैं। दोनों समीकरण को हमें एक्स को या वाई को हमें इक्वल करना है, बराबर करना है। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको विलोपन भी सेल करना है तो आपको किसी एक का एक्स और वाई का विलोप करना होता है। तो अगर आप विलोप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस विधि से भी लगा सकते हैं। विलोपन विधि को हम एक वीडियो डाल दिए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह समझाए विलोपन विधि कैसे हल किया जाए। तो इसमें हम विलोपन विधि नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर भी आपको ये पेज दिया गया है, इस पेज से आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें जैसे हल किया गया इसको हम समझा देते हैं। ये आपका देखिए समीकरण और एक दो को जोड़ने पर, एक और दो जो है समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसको एक्स एक्स को वाई वाई को जोड़ लेंगे और ये टोटल जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलता है आप देख सकते हैं, तीन हजार टोटल 94x प्लस 94y इक्वल 282, ये हमारा निकल जाता है। और अगर इसमें हम इसको कामन लेंगे, 94 कामन लेंगे यानी भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हमारा 94 कामन लेने पर हमारा यह जब एक्स बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा, समीकरण 3 बन गया। उसी तरह से हम इसमें इसको एक बार अब घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, जिस जो ज़्यादा रहेगा उसी में घटाएंगे, ये नहीं कोई कि ऊपर वाला ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा हो उसी में घटा करके हम इसको हम देखेंगे घटाएंगे, तो ये हमारा 12 माइनस 12 वाई और 12 वाई, तो 12 इसमें भाग देंगे यानी 12 कामन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल 1, तो हमारा इस तरह से ये बचेगा। और उसके बाद देखते हैं, तो ये समीकरण जो 3 बना, ये और समीकरण 4 जो बना, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अगर जोड़ते हैं तो हमारा एक्स एक्स देखिए प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा, तो और ये 3 प्लस में है, ये प्लस में है, 3 4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल 4 हो जाएगा हमारा। और तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा हमारा 2, x बराबर 2 निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं जो x बराबर 2 निकला है, इसका मान हम ले जाकर समीकरण में हम रख देते हैं, किसी भी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में रख देंगे, तो रखेंगे तो हमारा वाई बराबर 1 निकल जाएगा, तो एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, इस तरह से हमारा मान निकल जाएगा। तो ये था विलोपन विधि है, विलोपन विधि को वीडियो बनाया है, विलोप करना होता है बहुत आसान होती है, उसकी वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत सारी वीडियो की। चलिए आगे बजगुणन विधि आती है, उसको दिखाते हैं बजगुणन विधि। तो यह बजगुणन विधि की आपकी सूत्र है, फार्मूला है आपका बजगुणन विधि का, तो x होता है, ये x होता है और y होता है और o1 होता है, b1 c2 b2 c1 इसी तरह c1, पूरे फार्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद ये सवाल आपका, ये समीकरण है, समीकरण इसमें आपका तीन पदों में होना चाहिए, इस तरह 3x प्लस वाई, और जो अचर पद होता है वो भी इधर लिखा जाता है, उधर इक्वल के बाद 0 लिखा जाता है, इस तरह 2x प्लस वाई माइनस 33, तो इक्वल जीरो करना होता है। अब इसमें समझिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये अगर आपको ध्यान में देखेंगे तो एक्स, ये एक्स है, यहाँ समीकरण लिखा गया है, देखिए दोनों, अब इसको समझाते हैं, सूत्र नहीं याद रहेगा तब भी लगा लेंगे, बहुत ही आसान चीज़ है, देखने में कठिन होती है। तो ये दोनों समीकरण है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, अगर एक्स को देखिए, एक्स को निकालना होता हमारा, देखिए एक्स ए है, अगर इसको एक्स को निकालना है तो हम एक्स को छोड़ देंगे, जिसको निकालना है उसको छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, तो इसका मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे, ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए गिनती को ही गुणा करना है, यहाँ पर देखिए वाई के आगे एक है, एक और इधर 33 है, तो देखिए 1 33 का गुणा, इधर देखिए प्लस 5 है, इधर माइनस 30 है, तो इधर इसका गुणा, ठीक है। अब देखिए और दूसरा बताते हैं, दूसरा आपका अगर y को निकालना है तो हम y को छोड़ देंगे, अब हम इसको और इसको गुणा करेंगे, बस यही फार्मूला है। तो y को निकालना है तो हम इसको देखिए 3 और 33, तो इसको हम गुणा करेंगे, देखिए ये एक बात ध्यान रखना, ऐसे आगे दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी पहले इधर y को निकालेंगे तो इधर आएंगे, 33 का गुणा इधर जाएगा, ठीक है, इधर से ही जाएगा, और फिर इधर 30 का गुणा इधर आएगा, हमें इधर से जाना, देखिए इधर जाना है, इधर फिर इधर, इधर से लौटते हुए इधर आना है, ये बात ध्यान रखना, मैंने कहने का मतलब यही हुआ।
कि हम इधर आए पहुँचे तो हम इसमें वाई को निकालेंगे, तो हम ये पहले ये नहीं लिखेंगे आगे है तो ये नहीं, ये आगे है पहले, इसको हम इसको इधर आएंगे और इसको इधर जाएंगे, इसी तरह देखिए गुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं वन, ये अचर पद, अचर पद को वन कहते हैं, जान लीजिए अचर पद को वन कहते हैं, तो वन वाला निकालना है, तो वन वाला निकालना है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई सीधा इधर से इधर आएगा, आगे बढ़ रहे हैं, इधर ध्यान रखिएगा इधर बढ़ेगा, तो इधर जब बढ़ेगा इस तरह साइड, तो ये 2x और यहाँ 1 है, वो उनका गुणा होगा। देखिए 3 और 5, इन सब का जब गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे ये दिखाते हैं। इसमें देखिए इसका गुणा कर, एक्स वाला एक्स ऊपर बटे में हो जाएगा, और इसका गुणा जो भी होगा ये लिख देंगे, ये लिख दिया गया। फिर वाई का हम वाई के अपान में लिखेंगे, वाई के अपान में इसका गुणा और इसका गुणा जो भी होगा ये लिख दिया, प्लस माइनस में जैसा भी है, 1 1 का अपान इसका गुणा और इसका गुणा जो भी होगा उसको लिख दिए। दोनों को जोड़ घटा लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, तो हमारा ये आ गया जोड़ने घटाने पर, ये ध्यान रखिएगा ये इतना आ गया। तो ये अभी क्या करना है, एक बार हम यक्ष से इसको लेंगे, ठीक है ये वाला चीज अचर पद, एक बार इससे इसको लेंगे, दूसरी बार फिर वाई से इसको लेंगे, ठीक है ये चीज़। तो हमारा देखिए एक्स से लेंगे तो हमारा एक्स यहाँ छोड़ देंगे, तो 117 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 1 में गुणा होगा क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा 75 में, तो यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा। अगर हम वाई यहाँ छोड़ेंगे तो ये 39 जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 39 को, तो इस तरह से हमारा वाई बराबर इतना, दोनों को काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये एक्स बराबर 9 वाई बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारा ये ब्रजगुणन भी इससे सॉल्व हुई, और ये सूत्र का जो उधर बना था सूत्र का ये फार्मूला है ऊपर था जो वही है, बस यही में ध्यान में रखना है। इसको सूत्र याद करें या ना याद करें हम बता दे रहे हैं फिर से, अगर हमें x निकालना है तो y को और इसी तरफ बढ़ना है, इसी तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाना है, फिर इसी तरफ से लौटना है इधर। अभी ये चीज़ देखिए, अभी ये निकाल रहे हैं तो हम इधर बढ़ेंगे, पहले ये और ये, अगर y को निकालना है तो y हम छोड़ देंगे तो फिर इधर से जाएंगे, क्योंकि अभी आगे पहले ये पड़ेगा, आगे की तरफ ये पड़ेगा, तो इधर से जाएंगे तो ये और फिर इधर से जाएंगे तो ये, इस तरह से। अगर हम इसको वन वाला निकालेंगे, वन वाला निकालेंगे तो पहले ये आगे है तो इधर आएगा और ये आगे है तो इधर आएगा, हमारा कहने मतलब पहले इधर से इधर, इधर से इधर, फिर अगर बीच में निकाल रहे तो पहले तीसरा पद बताए तो ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर जाएगा, यही चीज़ करना है, करेक्ट। तो इस तरह गुणन भी थी और विलोपन भी की वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लेकर आएंगे। सभी अध्याय के हमने पहले और दूसरे अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डाल दिया, जाके देख लिया, उतने ही प्रश्न में से आएंगे, बाहर से आ ही नहीं सकता है, इसको जाके देख लीजिएगा। तो ये हमारा तीसरे लेसन का, इसके बाद चौथे लेसन सभी के अध्याय को बनाएंगे हम, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी डाल देंगे जो आपके परीक्षा में आने लायक रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा, और संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त, और योजना संबंधी और न्यूज जो भी संबंधित है वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, और मोबाइल जो स्टूडेंट को ज़रूरी होता है कैसे हैंडल करना होता है, कैसे अपडेट करना, कंप्यूटर की कैसे जानकारी, वो सारी चीज़ें वीडियो हम डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो को करते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।